फल्ली और टमाटर चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम फल्ली मतलब ग्राउंडनट्स, तिल 50 ग्राम, 1/2 किलो टमाटर, टमाटर इस तरह काट कर रखिए, 1 कट्टा पुदीना, 1 बड़ा सा प्याज, हरी मिर्च 200 ग्राम्स। इस तरह सब हरी मिर्च और आनियन पुदीना क्लीन करके इस तरह रख लीजिए। तड़का के लिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 10 गार्लिक पीसेस, 20 करी लीव्स, साल्ट, 4 टेबलस्पून ऑयल। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाली इस घंटी को भी प्रेस कीजिए, सबसे पहले आने वाले नए वीडियोस आपको ही मिल जाए। स्टोव लगाकर कढ़ाई रख दीजिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद ग्राउंडनट्स डालकर अच्छे से भून लीजिए। इस तरह भून लीजिए। भूनने के बाद भुने हुए ग्राउंडनट्स को एक बाउल में निकाल कर रख दीजिए। स्टोव को धीमी करके रखिए। अभी इसी खाली कढ़ाई में तिल डालकर उसको कढ़ाई पूरा चम्मच से ऐसे करके उसको प्लेट बंद करके रखिए। 2 मिनट पहले चम्मच से अच्छे से हिला लीजिए, उसमें पूरे धीमी आंच में हिलाकर उसको पूरा चौड़ा करके प्लेट बंद करके और स्टोव ऑफ कर दीजिए। इस तरह उसको 3 या 5 मिनट तक रख दीजिए। उसी गर्म में वो तिल भुने जाएगी। अभी इस प्लेट को निकाल दीजिए। भुने हुए तिल को भी एक बार चम्मच से इसे हिला लेके ग्राउंडनट्स के साथ उसको भी उसी इसमें निकाल दीजिए। अभी कढ़ाई रखकर उस कढ़ाई में ऑयल डालिए 2 टेबलस्पून। उसमें हरी मिर्च डालकर अच्छे से तल दीजिए, भून लीजिए। उसी में आनियन काट कर रखे हुए आनियन भी डाल दीजिए। दोनों को 5 मिनट तक या 10 मिनट तक अच्छे से ब्राउन होने तक भून दीजिए। 5 मिनट के बाद फिर उसमें पुदीना डालकर पूरा एक भूनने के लिए 10 मिनट लगेगा। अभी मिक्सी जार लेकर इसमें ग्राउंडनट्स और तिल को पहले मिक्सर कर लीजिए एक बार। इस तरह हो जाएगा वो पाउडर। अभी उसी में भून के रखे हुए हरी मिर्च ऑनियन पुदीना के साथ उस पेस्ट उसमें डालकर और 10 गार्लिक पीसेस भी उसी में डाल दीजिए और साल्ट डालिए। फिर एक बार इसको मिक्सी बना लीजिए और उसी गरम कढ़ाई में कटे हुए टमाटर डालकर 5 मिनट तक धीमी आंच पे प्लेट बंद करके रख दीजिए। अभी टमाटर भी नरम हो गए। इस टमाटर को उस पीसे हुए मिक्सी जार में उसी में डालकर और दूसरी बार फिर से एक बार मिक्सी बनाइए। अभी दूसरी कढ़ाई रखिए और कढ़ाई गर्म होने के बाद ऑयल डालिए 2 टेबलस्पून। उसमें जीरा और राई डालिए, करीवेपाक डालिए मतलब करी लीव्स। अभी स्टोव ऑफ करके चटनी में इस बघार को इस तड़के को डाल लीजिए। जार में से इस चटनी को एक बाउल में निकाल लीजिए। बाउल में तड़का डालकर मिलाकर रख दीजिए। इस तरह डोसा और इडली, बोंडा और समोसा, राइस, चपाती सभी में भी बहुत स्वादिष्ट रहेगी और पाव भाजी में भी स्वादिष्ट रहेगी।